वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमें मुंबई से इंदौर तक का डिस्टेंस हमने कवर किया 660 किलोमीटर, जिसमें हमें टाइम लगा 13 घंटे। और अब हम इंदौर से निकल रहे हैं कानपुर के लिए। तो कितना टाइम लगता है, कितने बजे हम कानपुर अपने घर पहुंचते हैं, वो सब आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगी। और कितना हमारा डीजल लगा और कितना हमारा टोल लगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एंड में दूंगी। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए और चलिए अब जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एंजॉय कीजिए स्माइल के साथ। ड्राइविंग सीट पे हैं सचिदा और हम लोगों ने इंदौर को क्रॉस कर दिया है, वो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। और अभी हम मक्सी होते हुए बढ़ रहे हैं ब्यावरा की तरफ। ब्यावरा से जाएंगे गुना, गुना से शिवपुरी, शिवपुरी को बाईपास करते हुए फिर झांसी कोटालाबाद हाईवे को ज्वाइन करेंगे और जाएंगे झांसी और झांसी से कानपुर। तो काफी लंबी ट्रिप ये हमारी होने वाली है और 24 घंटे कंटिन्यू ड्राइविंग। यस, तो ये भी एंड्योरेंस टेस्ट है, चैलेंज है। हम लोग 24 आवर्स अपनी एक्सयूवी 700 में ही बिताने वाले हैं। यस, तो 12 घंटे हमने बिता लिए हैं, वो आपने इस फिल्म में देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी के 12 घंटे आप इस फिल्म में देखेंगे या फिर हम 11 घंटे में ही जर्नी कवर कर लेते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने सबसे लंबी रोड ट्रिप कब की और कहाँ की और कितना एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा था, कि आपने खुद ड्राइविंग की या आप किसी बैक सीट पे थे, तो बता सकते हैं हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस, तो इस वक्त दोपहर के 1 बजने वाले हैं और शायद हमें लंच करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि हम लोग घर से ही कुछ पैकेट के लिए आए थे, वही हमने कर लिया है लंच। तो अगर भूख लगेगी तो फिर कहीं पे रुक जाएंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए मुंबई टू कानपुर नॉन स्टॉप रोड ट्रिप इन लेस देन 24 आवर्स और 24 आवर्स, ये आपको व्लॉग के लास्ट में पता चलेगा।
और एक और टोल प्लाजा आने वाला है। अब गुना बचा है 140 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। यस, और अब 560 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस बचा है। तो गूगल दिखा रहा है कि 10 आवर्स हमें लगेंगे, लेट अस सी कितना टाइम लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस व्लॉग को स्माइल के साथ। कर लिया है हमने, अभी तो काउंटिंग भी छोड़ दी हमने कि कितने टोल आए हैं। और 14 घंटे 13 मिनट की ड्राइविंग हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने डिस्टेंस कवर किया है 755.5 किलोमीटर। और गुना के लिए हमको यही हाईवे पे चलना है NH-52 पर, और अगर सुजानपुर जाना है तो आपको ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून, एक्सप्रेस से काजल बात कर रही हूँ। अमित यादव जी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ जी। से रिकॉर्ड किया जा रहा है पर्ट ट्रेनिंग पर्पज के लिए। आगे बढ़ने की पहले बताना चाहूंगा, कोई भी ओटीपी सेट या पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि बैंक आपसे इसकी कोई भी मांग नहीं करती। किलोमीटर 99 किलोमीटर और आगरा है 436 और शिवपुरी भी अब 200 किलोमीटर बचा है।
कितना बचा है 58 किलोमीटर और ग्वालियर है 278। और इस वक्त हम निकल रहे हैं बीनागंज से, तो 58 किलोमीटर बचा है गुना और उसके बाद आएगा शिवपुरी, फिर इसके बाद आएगा झांसी, फिर आएगा कानपुर, फिर आएगा लखनऊ। लखनऊ अपन को नहीं जमता, अपन को जम रहा है इस समय कानपुर, जो बोलते हैं हर तरह की कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। और अब गुना लेस देन 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर ओनली और ग्वालियर है 257। भूख लगी है, खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा मन तो कर रहा है खाना चाहिए, तो वहीं पे रुक जाएंगे जहाँ हम अक्सर रुकते हैं। नहीं मेरा तो अभी रखा है, मैं वही खाऊंगी चावल, जल्दी पचता भी है और खाने में मजा भी आता है। ट्रैवलिंग में नहीं करना चाहिए, दाल रोटी खाती नहीं, दाल रोटी खाती हूँ बस यही है, बट अभी है ना आपके पास तो फिर क्यों दाल रोटी के लिए टाइम छोड़ा जाए। थोड़ी सी अगर धूप में चल सको तो बेटर है, तो विटामिन डी निर्माण होता है चमड़ी में, तो विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम को आतड़े से एब्जॉर्ब करने के लिए, कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब हुआ तो हड्डियां मजबूत रहती है, तो इसके लिए थोड़ा सा धूप में, कच्ची धूप में चलो। ओके से शिवपुरी के लिए हमें लेना है लेफ्ट टर्न और गुना निकल गया है, तो गुना को कर दिया है हमने बाईपास और शिवपुरी को भी बाईपास करने ही वाले हैं, तो पहले चलते हैं उसी रूट की तरफ। और हमारा बंदर का भूख बढ़ रहा है, हमारी बंदर भूखी भूखी चिल्ला रही है और हमें पेट्रोल पंप की बहुत सख्त जरूरत है, और यहाँ पर कहाँ है आई डोंट नो।
यहाँ पे डीजल का रेट है 92.64 और देखते हैं कि कितना लीटर्स आता है हमारी एक्सयूवी में। और इस बार हमने फॉर अ चेंज एक अलग पेट्रोल पंप पे रिफिल करवा रहे हैं, जियो के पेट्रोल पंप पे। तो लेट अस सी इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, तो फिर उसके हिसाब से आगे आपको सजेस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 51 लीटर 4718। तो हमने फर्स्ट टाइम जियो के पेट्रोल पंप में अपनी वंडर को फिल कराया है। इससे पहले हमने यहाँ पर कभी डीजल नहीं भरवाया है अपनी गाड़ी में, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और दूसरे 907 किलोमीटर की राइड हमने 16 घंटे 21 मिनट में कंप्लीट कर ली है। जो हमारी वंडर एवरेज स्पीड दे रही है वो 55 का, और अभी भी 412 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, जिसमें गूगल दिखा रहा है कि 7.5 घंटे लगेंगे। लेट अस सी। अभी शिवपुरी लेस देन 90 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर झांसी और कानपुर। बोलने में तो स्वामी आसान लग रहा है, मगर अभी तो बोलने में आसान है, वैसे भी आसान ही रहेगा। तो 5 बजे तक पहुंचा दो शिवपुरी। आई डोंट नो कितने टाइम लगेगा, वो तो वक्त बताएगा, बट कोशिश कर रहे हैं कि फरारी बना के अपनी बंडल को ले चले। फरारी नहीं, लेकिन उसमें स्पीड पे मेंटेन करो तो अभी मतलब ठीक है, सही स्पीड पे क्रूज हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे कितना टाइम हुआ था जब हमने कॉल किया था, तुमने लिया था तो 12 साल मोबाइल, तो लगभग हमने 3.5-4 घंटे में 250 किलोमीटर अभी कवर कर लिया इंदौर के बाद। तो इंदौर के बाद थोड़ा सा सही स्पीड पे चल रहे हैं। इधर रोड और ट्रैफिक दोनों से बचाव मिल जाता है, बट अभी तो थोड़ा सा रोड मानसून के बाद खराब पैचेस है, मतलब उतना सही नहीं है, स्मूथ थोड़ा सा। इधर तो ठीक कर दिया है कि गड्ढे होंगे उनको फिल कर दिया, बट उधर पीछे साइड था। अभी इंदौर से सचिता कर रही है कंटिन्यूस ड्राइविंग, और उन्होंने लगभग 350 किलोमीटर की ड्राइव कर ली है, और शायद 4 घंटे भी उनको होने वाले हैं। इधर चलने में 16.5 घंटे हो चुके हैं। तो शिवपुरी 82 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन उसमें भी हमें तो बाईपास करना है, तो 70 किलोमीटर आप मान के चले। लेस देन 400 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस बचा है। और जैसा कि हम हमेशा अपने हर ब्लॉग में आपको ये जरूर मेंशन करते हैं, जरूर बताते हैं कि एमपी के रोड में हमें ड्राइविंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो मक्खन मलाई जैसा मिलता है। तो ऐसे रोड में 100 की स्पीड पता ही नहीं चलती कब पकड़ लेती है वंडर, और बड़ा आनंद दिलाती है ड्राइविंग करने में। तो अब जो गुना है वो निकल चुका है, और शिवपुरी अब 50 किलोमीटर के बाद हमें कोटा बाईपास कर देना है, इलाहाबाद हाईवे को पकड़ लेना है, शिवपुरी को बाईपास कर देना है। तो यहाँ पे भी कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डाइवर्जन है, और डाइवर्जन में तो आपको पता ही है कि स्लोली चलाना पड़ता है, केयरफुली, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी ड्राइविंग से। तो टाइम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 4:15 हो चुका है शाम के, 4:15 होने वाले हैं। कमाल है कितना ट्रैफिक आ रहा है अपने राइट साइड से, मंसूरी है। तो हमारा डिस्टेंस भी अब लेस देन 400 किलोमीटर बचा है। डिस्टेंस कवर किया है वो 932 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 16 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। और चलो हम अपनी लेन में आ चुके हैं, क्योंकि आगे से हम अपनी लेन में वापस
डाइवर्ट हो रहे हैं और मुझे अपनी लेन में ही ड्राइविंग करने में मजा आता है, मगर रोड में जो काम होता है तो आपको डाइवर्जन का सामना करना पड़ता है, तो उससे मैं थोड़ी सी फेडअप होती हूँ। बट कोई नहीं, ये तो सब जब आप रोड ट्रिप करते हो तो ऐसे छोटे मोटे आपको फेस करने ही पड़ते हैं प्रॉब्लम्स। और 16 घंटे 41 मिनट हमें लग चुके हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस कवर किया है 932 किलोमीटर का। देखो ट्रक फटाक से लेफ्ट राइट होते हैं। किंग हो तो क्या, अपनी रूल रेगुलेशन को ब्रेक करोगे सचिदा के आगे? रोड के किंग बहुत परेशान करते हैं, कहीं भी लेफ्ट राइट करवा देते हैं, अपनी लेन में नहीं रहते हैं। और हमारी माता रानी आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गाय बहुत मिलती है इस तरफ। जितना अच्छा रोड है उतनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाय। गाय का झुंड आपको इसी तरह से मिलेगा, जो आपको केयरफुली ड्राइविंग करनी पड़ेगी, उनको हार्म ना पहुंचे और अपनी भी सुरक्षा बनी रहे। इसलिए तो वैसे तो एमपी के रोड हमें बहुत चंगे लगते हैं। जब भी मैं कानपुर जाती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है सचमुच, क्योंकि इस साइड की ड्राइविंग सचिदा की फेवरेट ड्राइविंग है। और देखो लेफ्ट राइट ड्राइविंग करते हुए लोग चले आ रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पैदा। स्वामी कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो सही लग रहा है, तुम गड्ढे में कुदाती जा रही हो। स्क्वायर स्क्वायर करके उनको छील रखा है, क्योंकि पैचेस हो गए हैं ना रोड पे कहीं कहीं, या जो भी हो उनका मैकेनिकल काम है भाई, इंजीनियरिंग दिखाई दे रही है रोड मैप पे। अब इस हाईवे को भी अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, और अब हमें मुड़ना है झांसी की तरफ, जो है 104 किलोमीटर। तो शिवपुरी के हाईवे को करते हैं बाय बाय। तो यहाँ से लेंगे हम राइट टर्न, अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो कोटा जाएंगे, और राइट टर्न लेंगे तो झांसी। तो झांसी कानपुर 104 किलोमीटर है झांसी यहाँ से। तो ये जब तक हम इस बाईपास को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक का ये जो सर्विस लेन है वो बहुत ही खराब है, काफी गड्ढे हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में तो भयंकर खराब है बस अब। और 5 बजे हम शिवपुरी को हमने बाईपास कर रहे हैं, तो जो हमारा टारगेट था वो उसके हिसाब से हम बिल्कुल सही टाइम पे चल रहे हैं, जो हमारा प्लान है टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो करेक्ट 5 बजे आए हैं। 500 पे हमने इसको ज्वाइन किया है भाई, और यहाँ से 104 किलोमीटर का डिस्टेंस है झांसी का। अरे आगे का बहुत अच्छा व्यू है गुरु, हो रहा है। ये कौन सी रिवर है? रिवर ये क्या है? ये डैम है, साइड में से ले ना तो पता चलेगा, यहाँ लिखा होगा। हाँ ठीक है, ले पढ़ो क्या लिखा है। शिव पुल है। ओ बोले सिंध पुल, सिंध पुल, सिंध पुल है। अच्छा
इधर ही आएगा तो हमको इधर जाना पड़ेगा। चलो तो सिंध पुल, ये लेक वेक है कुछ। हाँ बड़ी अच्छी है, ऊपर से शूट करने लायक थी। वाओ सिंध पुल से बंडर दौड़ रही है 96 की स्पीड पे और दोनों तरफ पानी ही पानी है। आते टाइम सुबह पहुंचेंगे तब करा वापसी। सन सेट हो रहा है, ये देखो आ गया तुम्हारा। बहुत सारे गड्ढे हैं, कितना बचाओ फिर भी। तो झांसी बचा है 55 किलोमीटर और कानपुर अब 300 से नीचे आ चुका है। कानपुर 269, झांसी 55, 29 किलोमीटर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी टोल प्लाजा पर और टाइम हुआ है 6:29, मतलब 6:30 बज चुका है और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1072, मतलब हमें लगे 18 घंटे, लगभग 19 घंटे लग गए। हमारी तो सट्टे से हो जाती है। तो कानपुर के लिए हम ले रहे हैं लेफ्ट। अब मैं हबीब जी को दे रही हूँ ड्राइविंग सीट और मैं करूँगी रेस्ट। 1100 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस कवर हो चुका है जिसमें हमें टाइम लगा है 19 घंटे 36 मिनट और हमारी वंडर जो एवरेज स्पीड दे रही है वो 56 का और टाइम भी हो गया 7:07। तो अब देती हूँ हबीब जी को ड्राइविंग सीट और अपन करेंगे रेस्ट। तो ये हमारी आ गई है चाय, और चाय की चुस्की लेती हूँ। अभी तो हमारा घर तो आया नहीं है, हम झांसी उरई के बीच में हैं और अब पीते हैं। तो इस जर्नी का साक्षी है ये चांद जो आसमान में टिमटिमा रहा है और सचिदा अभी ड्राइविंग करने में ही बिजी है और अभी हमारी डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं है। हम लोग जर्नी नहीं खत्म हुई है और हम चलते जा रहे हैं। डेस्टिनेशन अभी आएगी, 2-2.5 घंटे दूर है डेस्टिनेशन। या तो 2-2.5 घंटे की दूरी पर हम हैं और ये हमारा आसमान में चांद है साक्षी जो हमें बता रहा है कि सचिदा चलते रहो, चलना ही जिंदगी का नाम है। और कल है करवा चौथ, तो स्वामी का व्रत करने के लिए सचिदा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी से खा भी के रेडी होगी और अभी जी ने अभी खाना नहीं खाया। क्यों अभी जी, भूख लगी है? पहली बार ऐसा हुआ कि जर्नी में इतनी भूख लगी है। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ऊपर जा रहा है जिसका फ्लाई ओवर आप देख रहे हैं और इसके नीचे से हम जा रहे हैं कानपुर नगरिया। तो कानपुर का ये आखिरी टोल प्लाजा हम आ चुके हैं और इस जर्नी में जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो ऑलमोस्ट 1340 किलोमीटर्स है और जो हमारा फ्यूल लगा उसमें 90 लीटर्स ऑफ डीजल जो ऑलमोस्ट ये मानिए कि 8500 रुपीज़ और जो टोल हमें पे करना पड़ा वो लगभग 2200 का टोल हमें पे करना पड़ा है यहाँ पर और जो हमें टाइम लगा वो ये समझ लीजिए पूरा 24 घंटे। अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आज का सफर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपको एक और जर्नी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर, थम्स अप।